दोस्तों क्या आपको पता है कि जो हाई क्वालिटी के ताले यानी कि लॉक आते हैं उसमें नीचे वाले हिस्से में एक छेद होता है। दोस्तों ये बात आपको नहीं पता होगी क्योंकि आपने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ताले में जो ये छोटा सा छेद होता है वो क्यों बनाया गया है? क्या ये चोरों के लिए बनाया गया है जिसकी मदद से चोर ताले को बिना तोड़े आसानी से खुलकर चोरी कर सके, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? इसी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ताले का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। दुनिया का सबसे पुराना ताला नीनवे नाम की जगह के नजदीक खैरसाबाद महल के खंडर में से मिला था। दोस्तों समय के साथ ताले का भी काफी विकास हुआ है और काफी सारा बदलाव भी हुआ है। दोस्तों ताला अक्सर हमारे घर के बाहर दरवाजे की सिक्योरिटी के रूप में रहता है। लेकिन पुराने तालों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बरसात के मौसम में घर के बाहर लगे तालों में अक्सर बारिश का पानी चला जाया करता था, जिसके चलते ताले के अंदर मशीन पर जंग लग जाती थी और हमारा जो ताला होता था वो जाम हो जाता था। ऐसी कंडीशन में हमारे पास चाबी होने के बावजूद हमें ताला तोड़ना पड़ता था। और इसी समस्या का हल निकालने के लिए जो अच्छी क्वालिटी के ताले आते हैं उसमें छोटा सा छेद बना दिया गया। अब जब भी बारिश का पानी ताले के अंदर जाता है तो वो ताले के नीचे बने छोटे से छेद से बाहर निकल आता है, जिससे ताला जाम नहीं होता है। और इसी छेद की मदद से हम ताले में ऑयल भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ताले के नीचे एक छोटा सा छेद क्यों दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसी जानकारी से भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।